सलोन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि स्थिति नाजुक चल रही है। शनिवार को भी कोरोना संक्रमण से बढ़ने की संख्या अधिक रही। वहीं सीएससी सलोन की ओपीडी बंद कर दी गई। डॉक्टर रूपेश ने बताया कि केवल इमरजेंसी मरीजों को देखा जा रहा है, जबकि अस्पताल में कोरोना से जंग की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सचेत किया है कि जरूरत हो तभी निकले, नहीं तो घरों के अंदर ही रहें। बीते 3 दिनों में 5 दर्जन से अधिक कोविड के मरीज मिले हैं। S7 की बेस्ट रिपोर्ट। मंशा के अनुरूप हम लोग यहाँ पे आकस्मिक चिकित्सा सेवा देते रहेंगे और सरकार की मंशा जो है कि जो अन्य मरीज आते हैं और कोविड से भी संक्रमित वो स्वयं हो जाते हैं, इसीलिए ओपीडी को बंद किया गया है और आकस्मिक सेवाओं को ही जारी रखा गया है। एक L2 में महिला मरीज पीरा नगर की रहने वाली है, उसका पति भी आज एक्सपायर कर गया है, तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है, क्या जाँच हुई है? उसमें जो है प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का टेस्टिंग हो रहा है, अगर कोई और पाया जाएगा तो और आगे जाँच की जाएगी। सलोन में आज तक कितने मरीज मिले हैं लगभग आज संक्रमित? देखिए आज की जो रिपोर्ट है, आज कितनी है रिपोर्ट? आज की रिपोर्ट है अब तक 10 पॉजिटिव। अभी तक 10 पॉजिटिव है, हालांकि कल जो है यस्टरडे 29 पॉजिटिव थे और डे बिफोर यस्टरडे 20 पॉजिटिव थे। मतलब ये माना जाए कि हर 100 आदमी में 3 पॉजिटिव। एकदम आपका कहना सही है, क्योंकि आज आप देखिए ना, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को देखेंगे तो रोजाना जो है ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा सलोन भी थोड़ा सा इस मामले में संक्रमण ज़्यादा हो रहा है।